अब वो वक्त आ गया है नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं। जो वाड़ जानी दे आप, तू अपने घर बाओ जाके। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिश पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। बंदूक की नाली के सामने मुझे खड़ा कर दो। ये रॉन्ग नंबर है। टांगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? हाँ यस। ये देखे मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। जरा सब खुल के हंसे सारे। जर की बात करें कि जरदारी की बात करें, हैरत होती है जब और कोई नहीं खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी सब कितना खाना है। अभी खान साहब तो पहचाने का की क्या चीज है। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फासल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखे वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अंडे 200 रुपया किलो। वाह 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 वाह। फिर कहीं बूटा गाला कट दे।